एसपी एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग डेप्रिसिएशन के कुछ एमसीक्यू करेंगे। डेप्रिसिएशन ये जो टॉपिक है वो फाइनल अकाउंट में है या फिर एडजस्टमेंट में मान सकते हैं डेप्रिसिएशन के टॉपिक को। तो आज हम लोग डेप्रिसिएशन के एमसीक्यू करेंगे जो कि आप लोगों को काफ़ी हेल्पफुल होंगे आप लोगों के एग्ज़ाम में, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर एक में लिखा हुआ है कि स्थायी संपत्ति के मूल्य में सने सने को मतलब बोल सकते हैं कि मतलब कि समय के अनुसार प्रति वर्ष या फिर प्रतिदिन या फिर प्रति हफ्ता ऐसे बोल सकते हैं कि दिन प्रतिदिन होने वाली कमी को, संपत्ति के मूल्य में सने सने होने वाली कमी को क्या कहते हैं। तो इसमें पूछा है कि जो दिन प्रतिदिन कमी आती है उसको क्या कहते हैं। तो उसे पहले ऑप्शन में लिखा हुआ है ह्रास बोलते हैं, इसे इंग्लिश में डेप्रिसिएशन बोलते हैं, या फिर उसे वृद्धि बोलते हैं, वृद्धि को इंक्रीजमेंट बोलते हैं, और हानि बोलते हैं, हानि को लॉस बोलते हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो स्थायी संपत्ति के मूल्य में होने वाली कमी को क्या कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हम लोगों का ए ऑप्शन, ये ऑप्शन मतलब कि ह्रास बोलते हैं, डेप्रिसिएशन बोलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि सेकेंड नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि ह्रास की ऐसी कौन सी पद्धति है जिसमें ह्रास की राशि प्रति वर्ष समान रहती है, मतलब कि समान रहती है, इक्वल रहती है। तो वो पूछा गया है, तो मेथड पूछा गया है कि कौन सी मेथड है ह्रास का। तो उसे क्रमागत पद्धति बोलते हैं, इसको रिकरिंग मेथड भी बोलते हैं, या फिर डब्ल्यू डी बी मेथड भी बोलते हैं। उसके बाद स्थायी प्रभाग पद्धति है, या फिर वार्षिक वृद्धि पद्धति है, एनुटी मेथड बोलते हैं, ह्रास कोष पद्धति, या फिर सिंकिंग फंड मेथड। तो आप लोगों से पूछा है कि ऐसी कौन सी पद्धति है जिसमें कि ह्रास की राशि प्रति वर्ष समान रहती है। तो मैंने आज के ही क्लास में आप लोगों को कराया था कि इसकी जो राशि है जो प्रति वर्ष समान रहती है वो है बी ऑप्शन, स्थायी प्रभाग पद्धति, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर तीन थर्ड, और क्वेश्चन नंबर थर्ड में लिखा हुआ है कि मूल लागत पर सदैव ह्रास किस पद्धति से काटा जाता है। तो मूल लागत पर ह्रास जो है वो किस पद्धति से काटा जाता है, ये क्वेश्चन में पूछा है हम लोगों से। अब जैसे मान लो कि हम लोगों ने एक मशीन ली, ठीक है, एक मशीन की कॉस्ट है हम लोगों की 5,000 रुपये, और डेप्रिसिएशन है वो है 10%। डेप्रिसिएशन का रेट जो है वो रेट है 10%। अब हम लोगों से कहा गया है कि डेप्रिसिएशन निकालिए, चलिए हम लोग पहली साल में डेप्रिसिएशन निकालते हैं। तो इसका डेप्रिसिएशन आएगा 5,000 × 10/100 लिखेंगे, और इसका जो डेप्रिसिएशन आएगा वो आएगा 500 रुपये। अब ऐसी कौन सी पद्धति है जिसमें डेप्रिसिएशन हमेशा मूल लागत पे लगाया जाता है। तो मूल लागत तो यही है, हमेशा इसी लागत पे डेप्रिसिएशन लगाया जाता है। तो मान लो सेकंड साल में अगर हम लोगों को है तो हम लोग इसी वैल्यू पे लगाएंगे, तो इस वैल्यू पे कौन सा है 5,000 × 10/100, फिर से वही 500 रुपये आएगा। तो ये पद्धति तो हम लोगों की स्थायी प्रभाव पद्धति है, क्योंकि हमेशा ह्रास इसमें चेंज नहीं होता है, तो मूल लागत पर ह्रास लगाया जाता है। तो इसका राइट आंसर है हम लोगों का स्थायी प्रभाव पद्धति, इसका सही आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर फोर्थ, और फोर्थ में लिखा हुआ है कि ह्रास की ऐसी कौन सी पद्धति है। चौथे क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि ह्रास की ऐसी कौन सी पद्धति है जिसमें ह्रास की राशि प्रतिवर्ष घटती जाती है। तो ऐसी कौन सी राशि है ह्रास की पद्धति में जिसमें राशि प्रतिवर्ष घटती जाती है। तो इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन, इसका सही आंसर होगा। अब क्रमागत पद्धति हम आपको एग्जाम्पल करके दिखाते हैं कि एग्जाम्पल में कैसे करते हैं। जैसे मान लो कि अगर हम लोगों की कोई चीज़ है, वो मशीन है हम लोगों की 5,000 रुपये की, 5,000 इसलिए लेते हैं क्योंकि आप लोगों को जल्दी समझ में आ जाएगा कम वैल्यू से, 5,000 की रेट है, और इसमें डेप्रिसिएशन जो है वो 10% से लगाया जाता है। तो पहली वर्ष में अगर मान लो हमसे ह्रास पूछा जाए तो हम लोग 5,000 × 10% करेंगे, और इसको इसके मतलब कि 500 रुपये डेप्रिसिएशन बन गया। अब हम लोगों को क्रमागत पद्धति में ह्रास चेंज होता है, तो अब हम लोग ह्रास निकालेंगे सेकेंड साल में, और सेकेंड साल में अगर निकालेंगे तो 5,000 माइनस करेंगे, पहले सेकंड साल का निकालने के लिए पहले हम लोग 5,000 की चीज़ थी, उसमें से हम लोगों की कमी कितनी हुई थी पहली साल में 500 की, तो 500 की कमी दिखाओ तो कितने हो गए टोटल वैल्यू 4,500। अब डेप्रिसिएशन जब सेकंड में डेप्रिसिएशन निकालेंगे तो हम लोग इस वैल्यू को निकालेंगे 10% इसका, तो इसका 10% कर लीजिए। अब इस 4,500 का 10% हो गया 450 रुपये, तो अब सेकंड साल का डेप्रिसिएशन कितना हो गया 450। तो ऐसे करके धीरे धीरे करके हर बार डेप्रिसिएशन कम होता जाएगा, क्योंकि हम लोग माइनस करते जाएंगे, अगली बार में 4,500 से भी, जिससे 450 से भी कम आएगा। तो ऐसी कौन सी पद्धति है जिसमें ह्रास की प्रतिवर्ष राशि घटती जा रही है। देखो 500 पहले वर्ष थी, अब दूसरे वर्ष कितनी है 450, तीसरे वर्ष इससे भी कम होगी, चौथे वर्ष इससे भी कम होगी, तो ऐसे करके कम होती जाएगी। तो ऐसी कौन सी पद्धति है, तो इसका राइट आंसर है हम लोगों का ई ऑप्शन, क्रमागत पद्धति। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में, और क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में लिखा हुआ है कि ह्रास की किस पद्धति में संपत्ति का मूल्य शून्य हो जाता है। तो ह्रास की किस पद्धति में संपत्ति का मूल्य शून्य हो जाता है, ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है। तो मैंने आप लोगों को बताया है कि ह्रास की वो पद्धति है स्थायी प्रभाग पद्धति में संपत्ति का मूल्य शून्य हो जाता है, क्योंकि प्रतिवर्ष ह्रास 5,000 रुपये लगेगा,
प्रतिवर्ष राशि कितना लगेगा, 5,000 रुपये, सॉरी 500 रुपये लगेगा। 5,000 की कोई चीज़ थी, 5,000 की कोई मशीन थी, उसमें प्रतिवर्ष राशि लग रहा है 500 रुपये, इसमें भी 500 लगेगा। मतलब फर्स्ट साल में हम लोगों का लगेगा, प्रथम वर्ष में 500 और सेकेंड वर्ष में 500, फिर उसके बाद थर्ड वर्ष में भी 500, ऐसे मान लो करते करते, और एक साल ऐसी आएगी कि संपत्ति का मूल्य कितना हो जाएगा, 0। तो यही पूछा गया है कि ह्रास की किस पद्धति में संपत्ति का मूल्य शून्य हो जाता है। तो ह्रास में देखो इसमें कौन सा मेथड है, स्थायी प्रभाग, क्योंकि प्रतिवर्ष ह्रास बराबर बराबर हो रहा है, तो वो होगा आंसर स्थायी प्रभाग पद्धति, इसका राइट आंसर होगा। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा हुआ है, 6 में, कि किस संपत्ति पर ह्रास नहीं लगाया जाता। तो उसमें पहले ऑप्शन में लिखा हुआ है भूमि और भवन, मशीन, एकस्व, एकस्व को पेटेंट बोलते हैं, ठीक है, चलन और पर माल, कंसाइनमेंट ऑफ गुड्स बोलते हैं इसे इंग्लिश में, कंसाइनमेंट ऑफ गुड्स। तो इन सभी में कमी आती है, मशीन में भी कमी आती है, अगर कोई माल है तो उसमें भी कमी आएगी, और पेटेंट में भी कमी आती है। तो इसका राइट आंसर होगा हम लोगों का, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हम लोगों का भूमि पर भी, भवन पर भी कमी आती है, तो इसका राइट आंसर होगा चलन पर माल जो है उस पर कमी नहीं आती है, छठवीं का सी ऑप्शन, इस पर कमी आती है, तो इसका राइट आंसर होगा, ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, ठीक है। इसमें डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि कुछ बच्चों को ये लग रहा होगा कि भूमि और भवन पर, लेकिन भवन पर ह्रास लगता है, ठीक है, भवन पर ह्रास लगता है, क्योंकि भवन में कभी कभी छटकन या फिर कोई चीज़ में डेप्रिसिएशन लग जाता है, कहीं कुछ ऐसे, मतलब कि इस पर ह्रास लगता है, भवन पर ह्रास लगता है, भूमि पर अगर पूछा जाए तो ह्रास कम लगता है, ज़्यादातर नहीं लगता है। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा हुआ है कि सामान्यतः ह्रास नहीं लगाया जाता, सामान्यतः ह्रास किस पर नहीं लगाया जाता। तो इसका राइट आंसर है, जैसे मैंने अभी आपको बताया है कि भूमि पर सामान्यतः ह्रास नहीं लगाया जाता, तो भूमि पर ह्रास नहीं लगाया जाता, ठीक है, भूमि पर ह्रास नहीं लगाया जाता, क्योंकि जैसे मान लो कि आज हम लोगों ने कोई प्लाट लिया, मान लो 4 लाख रुपये का, ठीक है, प्लाट लिया, आप 4 लाख रुपये का, आज जो डेट है वो हम लोगों की 2022 में हम लोगों ने ये प्लाट लिया है। अब मान लो कि 2025 में अगर कोई पूछे कि 2025 में तो इसके 4 लाख से कम होने चाहिए, अगर डेप्रिसिएशन लगता तो प्लाट पे, तो हम लोगों के 4 लाख से कम होने चाहिए थे, लेकिन प्लाट हो गया 5 लाख, ठीक है, तो हम लोगों की क्या हो गया कि प्लाट में डेप्रिसिएशन नहीं लगता है, भूमि पर डेप्रिसिएशन नहीं लगता है, सामान्यता ये बात है कि सामान्यता के देख लेना आप लोग, सामान्यता किस पर ह्रास नहीं लगता, तो भूमि पर ह्रास नहीं लगता। और देखो फर्नीचर है इस पर भी ह्रास लगता है, मशीन पर भी ह्रास लगता है, तो इन सब पे लगता है, बस इस पर नहीं लगता है, भूमि पर ह्रास नहीं लगता है। 8वें क्वेश्चन का आंसर, क्वेश्चन लिखा हुआ है कि संपत्ति की अप्रचलन, संपत्ति की मतलब कि अप्रचलन का कारण, मुख्य कारण है, तो संपत्ति के अप्रचलन का मुख्य जो कारण है वो है हम लोगों के नए नए आविष्कार। जैसे मान लो संपत्ति हम लोगों का जो मोबाइल है, हम लोगों का जो स्मार्टफोन है, मोबाइल है, वो हम लोगों का मान लो संपत्ति है। अब संपत्ति मान लो कि आज हम लोगों ने लिया है कि कोई नया फोन लिया है, अब जैसे ही कोई उसमें नए आविष्कार मतलब कि नया फोन आ गया, तो ये फोन हम लोगों को अप्रचलन में चला जाएगा, अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि हम लोगों को नया फोन लेने की उत्सुकता बढ़ेगी, क्योंकि उसमें फीचर्स ज्यादा हैं। तो इसी अप्रचलन मतलब कि अप्रचलन का कारण पूछा है, तो नवीन आविष्कार, जो नए नए आविष्कार हैं, वो अप्रचलन का कारण हो सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1 सेकंड, ये लिखा हुआ है कि 9th नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि ह्रास का आयोजन किया जाता है, तो ह्रास का जो आयोजन है वो कौन सी संपत्तियों पर किया जाता है। इसमें पहले ऑप्शन पे लिखा है चालू संपत्ति पर, दूसरे ऑप्शन में लिखा है बनावटी संपत्ति पर, तीसरे ऑप्शन में लिखा है स्थायी संपत्ति पर, और चौथे ऑप्शन में लिखा है इन सभी पर। तो ह्रास जो है वो हम लोगों को, मैंने आप लोगों को बताया है कि ह्रास हम लोगों का स्थायी संपत्ति पर लगाया जाता है, स्थायी संपत्ति पर, ठीक है, जो फिक्स एसेट्स होती हैं वो हम लोगों को ह्रास उसी पर लगाया जाता है। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, और क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा हुआ है, ये न्यूमेरिकल का क्वेश्चन है कि एक संपत्ति का अनुमानित जीवन काल जो है वो 10 वर्ष दिया है, अवशेष मूल्य दिया है 10,000 रुपये, तथा ह्रास स्थायी प्रभाव पद्धति के अनुसार 4,000 रुपये है, तो संपत्ति का मूल्य पूछा गया है, तो संपत्ति का मूल्य पूछा गया है। चलिए हम लोग आपको बताते हैं कि इसको कैसे करते हैं। जैसे मान लो कि संपत्ति का जो मूल्य है, पीछे उसी पर कर लेते हैं, एक सेकंड, यहीं पर कर लेते हैं कि ह्रास बराबर एक फॉर्मूला होता है कि ह्रास बराबर होता है संपत्ति की लागत माइनस होता है अवशेष मूल्य, ठीक है, अवशेष मूल्य, और बटे में हम लोग इसमें बटे में डिवाइड कर देंगे जीवन काल से, जो संपत्ति का जीवन काल होगा उससे हम लोग डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो इसमें पूछा गया है कि संपत्ति की अनुमानित जीवन काल कितना है, तो हम लोग ह्रास निकालेंगे, तो ह्रास तो निकालना नहीं है क्योंकि ह्रास इसमें दे रखा है,
तो इसमें देखो क्या रखा है कि ह्रास की स्थायी पद्धति के अनुसार 4,000 रुपये। चलो हम लोगों ने यहाँ पर लिख दिया ह्रास की जगह पे 4,000 रुपये, ठीक है। संपत्ति की लागत को हम लोग मान लेते हैं एक्स, ठीक है, क्योंकि संपत्ति की लागत बार बार नहीं लिखेंगे, एक्स लिखेंगे। माइनस माइनस करेंगे अवशेष मूल्य कितना है, 10,000 रुपये। 10,000 रुपये लिख दिया, ठीक है, 10,000 रुपये। और डिवाइड करेंगे जीवन काल कितना है, ये दिखाया है 10 वर्ष, तो इसको हम लोग 10 वर्ष से डिवाइड कर देंगे। अब देखो, अब मैंने आप लोगों को बताया है कि मैथ में इस वाली वैल्यू का ये वाली वैल्यू से गुणा होता है, तो इसका और इसका गुणा होगा तो ये कितने हो जाएंगे, 4,000 में 10 का मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएंगे 40,000। बराबर का साइन है एक्स माइनस 10,000, ठीक है, एक्स बराबर एक्स माइनस 10,000। अब हम लोग इसमें आगे देखेंगे, तो आगे करेंगे, अब आगे लिखा हुआ है कि एक्स बराबर जी, देखो ये जो है 10,000 के आगे क्या साइन है, माइनस का, तो ये जो इधर जाएगा इस साइड में जाएगा तो कैस का हो जाएगा प्लस का, तो 40,000 प्लस ये हैं, और प्लस में हो जाएंगे हम लोगों के ये 10,000 रुपये, ठीक है, 10,000 रुपये। तो एक्स बराबर कितना हो गया हम लोगों का, 50,000 रुपये। तो एक्स हम लोगों ने क्या माना था, संपत्ति की लागत, तो संपत्ति की लागत कितनी आ गई है हम लोगों की, 50,000 रुपये। तो 50,000 रुपये, तो दसवें का आंसर जो है वो होगा हम लोगों का, दसवें का आंसर होगा हम लोगों का बी ऑप्शन, 50,000 रुपये। ये मैंने आप लोगों को करके बता दिया, और ये फॉर्मूला भी आप लोगों को याद रखना है कि ये फॉर्मूला आ सकता है, ठीक है। इसे बोलते हैं संपत्ति की लागत को कॉस्ट ऑफ एसेट्स बोलते हैं, माइनस को बोलते हैं अवशेष मूल्य को बोलते हैं स्क्रैप वैल्यू, और जीवन काल को बोलते हैं लाइफ टाइम। तो ये इंग्लिश में फॉर्मूला है। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि ह्रास की गणना की जाती है, तो ह्रास की जो गणना की जाती है वो किस पर की जाती है, संपत्ति के बाजार मूल्य पर, पुस्तकीय मूल्य पर, या फिर लागत मूल्य पर, और लास्ट में लिखा हुआ है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा, इसका जो राइट आंसर होगा कि संपत्ति की बुक वैल्यू पर ह्रास जो लिखा जाता है वो संपत्ति की बुक वैल्यू पर किया जाता है, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 12, और क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा हुआ है कि क्रमागत ह्रास पद्धति में ह्रास की गणना की जाती है। तो क्रमागत ह्रास पद्धति में ह्रास की गणना की जाती है लागत मूल्य पर, बाजार मूल्य पर, संपत्ति के ह्रासित शेष पर, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आप लोगों को भी ऑप्शन से लग गया होगा कि सी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा, कि संपत्ति के ह्रासित मूल्य पर। कैसे, कि अभी आपको बताया था कि जो 5,000 रुपये थे, 5,000 रुपये थे, माइनस किया 500 रुपये, तो ह्रासित मूल्य जो शेष ह्रासित मूल्य है वो है 4,500 रुपये। तो ये पूछा गया है कि संपत्ति के ह्रासित शेष पर, तो ह्रासित शेष कितना है ये। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13, और क्वेश्चन नंबर 13 में लिखा हुआ है कि एक मशीन की लागत 60,000 रुपये है, और अवशेष मूल्य है 4,000, जीवन काल दिया है 7 वर्ष, तो स्थायी पद्धति के अनुसार प्रतिवर्ष ह्रास की राशि बताइए। तो इस राशि में आप लोगों को बताना है, तो हम लोग वही फॉर्मूला लगाते हैं। आपकी बार फॉर्मूला हम लोग इंग्लिश में लिखते हैं कि डेप्रिसिएशन बराबर क्या होता है कि कॉस्ट ऑफ एसेट्स माइनस करते हैं हम लोग स्क्रैप वैल्यू, और डिवाइड करते हैं हम लोग जीवन काल से, तो इसे बोलते हैं लाइफ टाइम से, लाइफ टाइम से। तो डेप्रिसिएशन पूछा गया है इस क्वेश्चन में, तो हम लोग निकालते हैं कॉस्ट ऑफ एसेट्स कितनी है, तो संपत्ति की लागत जो है वो है 60,000 रुपये, ठीक है, हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया 60,000 रुपये। अवशेष मूल्य जो स्क्रैप वैल्यू दी है वो है 4,000 रुपये, तो 4,000 लिख दिया। उसके बाद अनुमानित जीवन काल जो है वो है 7 वर्ष, तो हम लोग 60 में से जब 4 माइनस करेंगे तो ये आएगा हम लोगों का 56,000 रुपये। अब इसको 7 से डिवाइड करेंगे, तो 7 से अगर डिवाइड करेंगे तो ये 8 बार कटेगा, और डेप्रिसिएशन जो होगा वो होगा हम लोगों का 8,000 रुपये। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हम लोगों का सी ऑप्शन, इसमें 8,000 रुपये सी ऑप्शन में दिए हैं। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि संपत्ति की लागत है 1,00,000 रुपये, अवशेष मूल्य है 10,000 रुपये, ह्रास की जो दर है वो है 10%। तो क्रमागत शेष पद्धति के अनुसार ह्रास की प्रतिवर्ष राशि क्या होगी ये पूछा गया है। तो हम लोगों से क्या पूछा गया है कि ह्रास की राशि क्या होगी, तो स्थायी प्रवाह पद्धति में ये जो फॉर्मूला लगाते हैं हम लोग कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू, ये फॉर्मूला स्थायी प्रवाह पद्धति में लगाते हैं, क्रमागत पद्धति में ये फॉर्मूला नहीं लगाते। तो चलिए हम लोग क्रमागत पद्धति में बस फॉर्मूला के हम लोगों को डेप्रिसिएशन की रेट दे रखा है कितना 10%। तो हम लोगों की कॉस्ट कितनी है 1,00,000 रुपये, और 1,00,000 का 10% हम लोगों का ह्रास होता है, तो 10% ह्रास। तो हम लोगों का जो आंसर आएगा वो आएगा हम लोगों का, इसको यहाँ से डिवाइड कर देंगे, इसको यहाँ से कट कर देंगे, तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा डेप्रिसिएशन 10,000 रुपये। तो इसका आंसर होगा सी ऑप्शन, इसका सही होगा क्योंकि इसमें सी ऑप्शन में लिखा है 10,000 रुपये। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 15 में लिखा हुआ है कि क्रमागत ह्रास पद्धति श्रेष्ठ है,
किसके लिए श्रेष्ठ है, मशीन के लिए, भूमि के लिए, या फिर मशीन व भूमि दोनों के लिए, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो क्रमागत ह्रास पद्धति है वो सबसे अच्छी है, बेस्ट है मशीनों के लिए, ठीक है, मशीनों के लिए श्रेष्ठ है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 में लिखा हुआ है कि मशीन की लागत है 50,000 रुपये, जीवन काल दे रखा है 5 वर्ष, अवशेष मूल्य दे रखा है 5,000, क्रमागत पद्धति, पद्धति कौन सी है, क्रमागत, ये ह्रास तो स्थायी प्रवाह पद्धति से हम लोग ये फॉर्मूला लगाते हैं कि अनुसार ह्रास की वार्षिक ह्रास की राशि की गणना कीजिए। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है डी ऑप्शन, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि हम लोग इस फॉर्मूले से हम लोग नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि ये फॉर्मूला जो लगता है वो स्थायी प्रवाह में लगता है, स्थायी प्रवाह में ये फॉर्मूला लगता है हम लोगों का, ठीक है, क्रमागत में नहीं। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन आज का लिखा हुआ है कि ह्रास लगाए जाने का कारण है, तो ह्रास जो लगाए जाने का मुख्य कारण है कि मूल्य में कमी, मूल्य में कमी, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है मूल्य में कमी, क्वेश्चन नंबर 17 का। आज की वीडियो में मैंने आप लोगों को ये टॉप 17 क्वेश्चन कराए हैं डेप्रिसिएशन के। नेक्स्ट भी वीडियो में मैं आप लोगों के लिए और भी क्वेश्चन लेके आऊँगा, बस आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।